मम्मी आपको मिली रेसिपी जो आप ढूंढ रही थी। हाँ रेसिपी तो मिल गई मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक्चुअली मेरे घर में जो है एक पाइनएप्पल आया है, और मेरे फैमिली में मेरे बच्चों को बिल्कुल पाइनएप्पल पसंद नहीं है और मुझे भी उतना खास पसंद नहीं है, बस एक हस्बैंड को पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका मैं ऐसे यूज कर लूं कि वो सभी खा लें। तो मैं इसीलिए मैं जो है देख रही थी इसमें कोई अगर मुझे ऐसी कोई रेसिपी मिल जाए जिसमें मैं पाइनएप्पल का यूज कर सकूं। तो मुझे एक रेसिपी मिल गई है, बस मोस्टली सभी कुछ है अवेलेबल घर में, तो मैं बनाती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि वो सच में वैसा बना था जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पाइनएप्पल का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। एक बाउल सूजी ले लिया है हमने, और जितनी सूजी है उतना ही हम लेंगे शुगर, चीनी, और ये हमने काजू को पीसेस में कट कर लिया है, और ये थोड़ी सी किशमिश ले लेंगे, और ये हमने येलो फूड कलर को 1 टेबल स्पून वाटर में मिक्स कर लिया है, चुटकी भर येलो कलर को, और ये हमारी टूटी फ्रूटी, और ये हमने घी लिया है बनाने के लिए सूजी को भूनने के लिए, और ये हमने पाइनएप्पल को पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइनएप्पल का हलवा बनाना। तो ये मैंने गैस पे पैन रख लिया है। हमें सूजी को लो फ्लेम में ही भूनना है, हाई फ्लेम में और मीडियम फ्लेम में नहीं, लो फ्लेम में भूनना है। हमें सूजी को चलाते हुए भूनना है 2 से 3 मिनट तक, और धीरे धीरे सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। और ये सूजी भून चुकी है तो, और इसको हम जो है प्लेट में अलग से निकाल लेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और अब हम इसी पैन में हम घी ले लेंगे, और घी को हल्का सा गरम करेंगे, क्योंकि गरम है हमारा पैन तो घी एकदम से मेल्ट हो जाएगा। और अब हम इसमें अपनी जो हमने सूजी भून के रखी हुई थी उसको इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको हल्के हल्का इसको इसे कंटिन्यू चलाना है, और इसे कंटिन्यू चलाना है, भूनना है हमको सूजी को हल्का हल्का, और करीबन 1 मिनट तक हमको इसको भूनना है, 1 से 2 मिनट तक ओनली। और अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे, जो हमने 1 बाउल शुगर रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, और कंटिन्यू चलाना है अदरवाइज सूजी जल जाएगी। और हमें सूजी को धीमी आंच पर ही भूनना है, हमें उसका फ्लेम को तेज नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे हमको सूजी को भूनना है। और ये भून चुकी है, और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें 2 बाउल पानी की ऐड करूँगी। जितनी मैंने सूजी ली थी जिस बाउल से उसी बाउल से 2 बाउल में पानी ऐड कर रही हूँ, और इसमें अब बॉयल होने लग गई है। और इसमें चीनी भी अब मेल्ट हो चुकी है, और सूजी बॉइल हो चुकी है। इसमें हम फूड कलर ऐड कर देंगे, टूटी फ्रूटी, काजू जो हमने क्रश किए हुए थे, और किशमिश भी ऐड कर लेंगे, और जो हमने पाइनएप्पल पीसेस में कट किया था उसको ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू। और इसको चलाते रहेंगे, और सच में मैं बताऊँ ये बहुत टेस्टी बना था। इसमें जो पाइनएप्पल का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आ रहा था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, और बच्चों ने और सब ने बहुत अच्छे से खाया। तो जब बच्चे पाइनएप्पल ना खाएं तो इस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं हम। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। और ये हमारा बन चुका है हलवा, देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत कलर आया है, और खाने में भी बहुत यम्मी था। इसको कंटिन्यू चलाते हुए बनाना है। और अब हम अपनी डिश को डिश आउट कर लेंगे प्लेट में।
खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, पाइनएप्पल की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जिस तरह से बताया गया था मैंने वैसे ही इस रेसिपी को बनाया और मुझे बहुत अच्छी लगी रेसिपी। जैसी बताई थी वैसी ही बनी है, बहुत टेस्टी और देखने में भी ब्यूटीफुल लग रही है। और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करूं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इनकी बेचैनी देखने लायक थी जब किचन में कुछ बन रहा हो ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। और ये मैंने इनको दे दिया है और ये बताएंगे इन्हें कैसा लगा। इन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई डिश, बोली मम्मी नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर बनाइएगा, जब भी पाइनएप्पल आएगा आप यही डिश बनाइएगा। तो आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को डेफिनेटली पसंद आने वाली है ये डिश।